यार, कैसे हो आप सभी लोग? तो गाइज यार, मैं हूँ डेविल एंड यू आर वॉचिंग अननोन डेविल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं एक स्ट्रैटेजी को कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके साथ मैं मनी मैनेजमेंट को भी कंबाइन कर रहा हूँ, जिससे आप थोड़ा बहुत पैसा कमा पाओगे, ठीक है ना। एंड मैं आपको क्लियर बताऊंगा इस स्ट्रैटेजी के बारे में। इसका नाम मिलियनेयर स्ट्रैटेजी है। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी, इतना सिंपल कि कोई भी इससे पैसा कमा सकता है, ठीक है। बट थोड़ी बहुत बेसिक आप पे नॉलेज है तो आप ज़्यादा कमा पाओगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, चलो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। जैसे कोई अगर रेजिस्टेंस एरिया होता है, ठीक है, क्लियर है, और कोई रेजिस्टेंस एरिया होता है, और क्या होती है रेजिस्टेंस एरिया पे, अगर कोई ये देखो रेजिस्टेंस एरिया है, और अगर कोई क्या करता है, अगर कोई बायर रेजिस्टेंस एरिया पे अगर कोई बायर कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। एंड जब बायर इस लेवल को टच करता है, मतलब कोई कितना ही बायर हो, जैसे लेवल को टच करेगा एक बार, और वहां से मैं कुछ भी सेलर्स अगर देखने को मिल जाते हैं, कुछ भी सेलर्स से देखने को मिल जाते हैं, फिर मार्केट यहाँ पर कैसा भी बनाओ, मार्केट यहाँ पर नीचे गिरा होगा, फिर ऊपर जा रहा होगा, फिर ऊपर जा रहा होगा, फिर मार्केट अगर दोबारा उसी लेवल से, मार्केट क्या होगा, दोबारा उसी लेवल से अगर क्या होता, कोई बायर टच करता उस लेवल को, अगर कोई बायर टच करता है उस लेवल को, एंड जैसे ही टच करता है, फिर वहां पे कुछ सेलर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पे? वहां पे हमें कुछ और सेलर्स देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, ठीक है। अगर वहां पे कुछ सेलर्स देखने को मिल जाते हैं तो अच्छी बात, ठीक है। फिर मार्केट क्या होगा, नीचे जाएगा, ठीक है, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, ठीक है ना। एंड फिर क्या होता है, अगर कोई बायर फिर दोबारा जा करके अगर उस लाइन को टच करता है, ठीक है, अगर कोई बायर दोबारा जा करके उस लाइन को टच करता है, ठीक है ना, तो और हमें वहां पर एक कैंडल सेलर की देखने को मिल जाती है, तो हम अगले कैंडल पे ट्रेड करेंगे। आ सेट गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा उड़ी गया, कोई इशू नहीं है। देख लेते हैं, यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। अगर कोई क्या बायर की कैंडल है, फिर से बताता हूँ, देखो बायर की अगर कोई कैंडल्स हैं, कुछ बायर के कैंडल्स हैं, अगर कोई बायर है और क्या होता है वो यहाँ तक पहुँचता है, जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया को टच करता है, और उसके बाद अगर हमें कुछ सेलर्स देखने को यहाँ मिलेंगे, आपको भी पता है कि रेजिस्टेंस से क्या आता है, सेलर्स आता है, और हमें कुछ सेलर्स अगर देखने को मिलते हैं, ठीक है, फिर मार्केट क्या होता है यहाँ से ऊपर जाता है। किस तरीके से? तो मार्केट यहाँ से फिर अगर जब दोबारा ऊपर जाएगा, एंड अगर कोई बायर यहाँ पे दोबारा क्या करेगा, टच करता है, अगर कोई बायर दोबारा इस लेवल को टच करता है, और वहाँ हमें फिर उसे कुछ सेलर्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पे हमें कुछ सेलर्स फिर से देखने को मिलते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। और फिर मार्केट क्या होगा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, और फिर दोबारा जब मार्केट क्या होगा, ऊपर उठेगा ना, जब मार्केट दोबारा उस ऊपर उठेगा, ये थोड़ा सा क्या पेशेंस वाला स्ट्रैटेजी है, इसीलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के ट्रेड करना है, बट ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। उसके बाद कोई अगर बायर टच करता रेजिस्टेंस एरिया को, और अगली कैंडल पे हमें सेलर अगर देखने को मिलते हैं, तो अभी जो फिलहाल मैं कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कैंडल, ये वाला कैंडल, इस पर हमें ट्रेड करना है, ठीक है, देख लो इस पे हमें क्या करना है, ट्रेड करना है इस कैंडल पे, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी का नाम मिलियनेयर स्ट्रैटेजी है, बहुत ही पुराने टाइम से चलता आ रहा है, बहुत ही पुराने टाइम से, ठीक है। इसको यूज कैसे करना है, यूज करना बहुत ही सिंपल है, एज सिंपल एज दैट, कि अगर कोई रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, मेरा माउस का पॉइंटर कहाँ गया, यस, अगर कोई रेजिस्टेंस एरिया आप देख रहे हो यहाँ पर, क्या कोई रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, और उस पर कोई बाहर जा करके टच करता है, और सेलर्स एंट्री हमें देखने को मिलती है, मतलब जब भी बायर टच करेगा तो एटलीस्ट दो कैंडल सेलर की चाहिए, मिनिमम दो बैक टू बैक सेलर्स आने चाहिए। तो जैसे ही बायर टच करा, दो सेलर की कैंडल हमें देखने को मिल गई, ठीक है। फिर जब दोबारा बायर टच किया तो वहां पर हमें एटलीस्ट दो, तीन चार दस कितने भी उससे मतलब नहीं, बट बैक टू बैक हमें दो सेलर्स चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब बायर टच किया तो बैक टू बैक दो सेलर आए, फिर जब बायर टच करा तो बैक टू बैक दो सेलर्स आए, तो फिर जब बायर टच करेगा तो हमें जब एक सेलर मिल जाएगा तो अगली कैंडल पे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, क्लियर। ये स्ट्रैटेजी है हमारी, समझ गए क्या स्ट्रैटेजी हो गई, कि जब अगर कोई रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया कुछ इस टाइप से है कि बायर जब भी टच करता है तो सेलर्स एंट्री देखने को मिलती है, मिनिमम दो सेलर होने चाहिए, जब भी बायर टच करेगा मिनिमम दो सेलर्स आने चाहिए, दस सेलर्स आ जाए कोई दिक्कत है, बट हमें बैक टू बैक दो सेलर चाहिए। और जब ये फर्स्ट पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकेंड पॉइंट था, और ये थर्ड पॉइंट था, तो हमें थर्ड पॉइंट पे ट्रेड करना है। और थर्ड पॉइंट पे कब ट्रेड करना है, जब थर्ड टाइम कोई बायर टच करता है और वहां पे हमें एक सेलर देखने को मिल जाते हैं, तो फिर हमें अगली कैंडल पे क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। यही तरीका क्या होगा, यही तरीका हमारा यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे भी काम करेगा, कि जब कोई सेलर टच करेगा और हमें यहाँ पे दो बार देखने को मिलेंगे, फिर जब कोई सेलर टच करेगा फिर हमें दो बार अगर देखने को मिलेंगे, फिर थर्ड अटेम्प्ट में जब कोई सेलर टच करेगा और दो बार एटलीस्ट हमें देखने, एक बार हमें देखने को मिलेगा, तो हम सेकेंड बार पे ट्रेड करेंगे, ठीक है।
क्लियर? ये आपका हॉरिजेंटल लाइन में भी ऐसा ही काम करेगा, आपका ट्रेंड लाइन में भी ऐसा ही काम करेगा जैसे मैंने आपको समझाया है। ये आपको 1 MTG में यूज करना है। 1 MTG मींस व्हाट? जब यहाँ पे मैंने सेल की ट्रेड लगाई, सेलर नहीं आए, लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। तो जैसे 70 रुपीज का लॉस हो गया, तब यहाँ पर 140 रुपए की अगली ट्रेड क्या करेंगे इस लगा देंगे। 140 रुपए की अगली ट्रेड क्या करेंगे इस लगा देंगे, ठीक है ना। आगे मैं आपको मनी मैनेजमेंट भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 MTG ट्रेड लेना अगर लॉस होता है तो, नहीं तो फिर अगर 1 MTG भी लॉस हो जाएगा तो आपको आगे ट्रेड नहीं करना है, समझ गए। ये आपका ट्रेड कैंडल है, की कैंडल है, इस पर आपको ट्रेड करना है। अगर ये लॉस हो जाता है तो आपको 1 MTG यूज करनी है। अगर आपका 1 MTG भी लॉस हो जाए तो आपको फिर आपको यहाँ पर आगे ट्रेड नहीं करना है। उसी तरीके आपको यहाँ पे भी देख लो, अगर आपका यहाँ पे एक ट्रेड बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तब यहाँ पे एक ट्रेड बाई करोगे, ठीक है। अगर लॉस हो जाएगा तब 1 MTG से बाई करोगे, और वहां भी लॉस हो गया तो फिर आगे ट्रेड नहीं करोगे, बट आपका 1 MTG मैक्सिमम टाइम विन करेगा। और ये स्ट्रैटेजी आपका 1 MTG पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं। क्या बता दूं मैं आपको एक और चीज, कि ये पूरी स्ट्रैटेजी का नाम मिलेनियर स्ट्रैटेजी। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको कोई भी स्ट्रैटेजी सिखा दूं उस पर आपको कंसिस्ट होकर के डिसिप्लिन के साथ काम करना है। अगर आपको फिर भी सक्सेस नहीं मिलती है तो आप मेरे से पर्सनली सीख सकते हो, मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा, जो कि आप टेलीग्राम पर आकर के मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। फ्री में सीखना है तो आप यूट्यूब पे सीखो, पेड सीखना है तो आप मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ गाइस मैं आपको एक और बात बता दूं, करंट टाइम में टेलीग्राम पे 1000 मेंबर कंप्लीट हुए, तो टेलीग्राम पर एक ऑफर भी चल रहा है, 2500 तक का डिस्काउंट भी चल रहा है टेलीग्राम पे। तो जिन लोगों को कोर्स परचेज करना होगा तो अभी बेस्ट टाइम है, आकर के परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहां से मुझसे पर्सनली सीखना तो वहां पर आप सीख सकते हो, ठीक है। तो चलो लाइव मार्केट में चलते हैं। साथ ही साथ ये OTC लाइव मार्केट बोट में काम करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, ठीक है। और चलो मैं आपको मनी मैनेजमेंट पे ले चलता हूँ, और आपको मैं फिर ले चलता हूँ कहाँ पे, मनी मैनेजमेंट पे ले चलता हूँ, और साथ ही साथ फिर मैं आपको लाइव मार्केट या फिर OTC मार्केट में ट्रेड करके दिखाता हूँ। सो लेट्स गो गाइस, ओके वेट करो। तो गाइज हम अपने मनी मैनेजमेंट पे आ चुके हैं। इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 3000 का अमाउंट होना चाहिए। एंड एक वार्निंग या फिर नोट कह दो, जो भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, कि जब भी मैं कोई स्ट्रैटेजी बताता हूँ तो सीधा उसको रियल मार्केट पे ट्राई करने मत लग जाओ। जो भी स्ट्रैटेजी बताता हूँ उसको एटलीस्ट कुछ दिन, लाइक 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन डेमो पे ट्राई करो। आपको अच्छे खासे अगर रिजल्ट देखने को मिलते हैं फिर आपको उसको रियल पे ट्राई करना है, ठीक है। आंख बंद करके कोई मेरे पे बिलीव मत करो या फिर मेरी कोई स्ट्रैटेजी पे बिलीव मत करो, अपना दिमाग खुला रखो। यही कारण होता है कि लोग आपको बेवकूफ बना देते हैं, ठीक है। आंख खोल के चीजें समझो कि ये बंदा क्या कह रहा है। हो सकता है कि समटाइम्स हो सकता है ना, मैं भी इंसान हूं, मैं भी कभी गलती कर सकता हूं, पर आंख बंद करके बिलीव करोगे, गलती को फॉलो कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बट मैं आपको हमेशा सही बताता हूं अपने तरीके से, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 3000 का कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एटलीस्ट कितना होना चाहिए? आपके पास एटलीस्ट 3000 का कैपिटल आपके पास होना चाहिए। और आपको 3000 अगर खोने का डर नहीं है तभी डिपॉजिट करना, बिकॉज ये एक स्ट्रैटेजी ऐसी है, ऐसा मनी मैनेजमेंट है जहां पर आपका लॉस होगा तो आपका कैपिटल ब्लो हो सकता है। तो 3000 आप तभी डिपॉजिट करना जब आपको आप लॉस कर सकते हो। लाइक देखो, जिस पैसे पे आप लॉस करोगे ना, लाइक जिस पैसे को आप लॉस करोगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर उस पैसे से ट्रेड भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या तरीका है, यहाँ पे तरीका ये है कि आपके पास इनिशियल 3000 का कैपिटल होना चाहिए। ये मनी मैनेजमेंट के लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। मनी टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिलेगी, जाकर के वहां से इस मनी मैनेजमेंट को डाउनलोड आप कर सकते हो, ठीक है। आपको अपना कैपिटल जो भी आपको यहाँ पे डालना है, आपको यहाँ पे 5 टाइप करना है, आपको यहाँ पे 1 टाइप करना है, एज इट इज आपको सिंपल सा टाइप कर देना है, ठीक है। पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना। जब आप ये सारी चीजें लिख दोगे तो आपका यहाँ पे ट्रेड अमाउंट आ जाएगा 73 रुपीज का। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप 5 में से एक ट्रेड भी विन करोगे तो आपको 2% का प्रॉफिट होगा। तो आपको पर डे कितना प्रॉफिट करना है, तो पर डे आपको 6% का प्रॉफिट करना है। 1 2 3 4 5 6 टोटली आपको एक ट्रेड में आपका कितना कवर अप होगा, आपका एक ट्रेड में 2% आएगा, ठीक है। एक ट्रेड में फिर 2% आएगा, फिर 2% आएगा करके तकरीबन, ठीक है। तो टोटली आपको 6% का गेन हो जाएगा। एक ट्रेड अगर विन करते हो 5 में से तो 2% का गेन है ना, तो 3 ट्रेड विन करोगे तो 6% का गेन हो जाएगा। इट मीन आपको पर डे बस 3 ट्रेड विन करने हैं इस स्ट्रैटेजी को बेस करके, ठीक है। तो अपना इनिशियल कैपिटल डाल देना 5:1 एज इट इज रहने देना। आपको बस 3 विन करना है, 5 में से एक विन होगा तो आपका 2% का गेन होगा। और अगर 5 में से एक भी विन नहीं होता है, 5 के 5 बैक टू बैक लॉस कर लोगे तो आपका कैपिटल ब्लो हो सकता है, तो उसके लिए भी रेडी रहो। और जब आपका 3500 या 3000 के बदले 4000 कैपिटल हो जाए तो आप 1000 का विड्रॉल कर लो, ठीक है। जब भी आपका कैपिटल पूरा दाव पे लग रहा है तो उसको लंबा ग्रो मत करो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करो और विड्रॉल लेते रहो, थोड़ा थोड़ा ग्रो करो और विड्रॉल लेते रहो। इससे जब आप बैंक अकाउंट जब आपका भर जाएगा ना, तो आपका ऑटोमेटिकली दिमाग काम करेगा। तो चलो मैं आपको ले चलता हूं लाइव मार्केट पे, एंड वहां पे ट्रेड करके आपको मैं दिखाता हूं। सो लेट्स गो ऑन द लाइव मार्केट।
तो गाइज अपने लाइव मार्केट में आ चुके हैं एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें वहां पे जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको समझाई है वही स्ट्रैटेजी यूज करके हम ट्रेड करेंगे। बट मैं आपको पास में वही एक स्ट्रैटेजी जहाँ पे फॉर्म आउट हुई है मुझे क्लियरली दिख रहा है, मैं आपको वो कवर अप करके समझा देता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे काम नहीं करेगा। मैं आपको ऐसा मार्केट फाइंड आउट अप करेंगे जहां पर हमारी स्ट्रैटेजी फुलफिल हो रही होगी, चाहे ट्रेंड लाइन से या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप गौर करोगे ना, तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रैटेजी एक फॉर्म आउट होती हुई दिख जाएगी। आपके पास एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए इस स्ट्रैटेजी को यूज करने का। आप यहाँ पे अगर हम एक लाइन रखते हैं इसके वीक पे, ठीक है, और इसके बॉडी पे, ठीक है, तो यहाँ कंसिडर नहीं कर पाएंगे बिकॉज यहाँ पे एक रेड डोजी है। देखो गौर करो, हमारी यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी काम कर रही थी कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था जहां पर जैसे ही सेलर ने टच करा तो दो बायर आए हैं, ठीक है। फिर दोबारा जब सेलर ने टच करा तो यहाँ पे एक बायर आकर यहाँ भी बायर आ जाता, तो फिर जब दोबारा कोई सेलर टच करता तो एक बायर आता, तो अगले बायर पे हम ट्रेड करते। बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा फॉर्म आउट नहीं हुआ है, ठीक है। तो बट उससे पहले अपना ट्रेड अमाउंट हम लिख लेंगे कि हमारा ट्रेड अमाउंट कितना है, 73 रुपीज है। तो हम यहाँ पे ट्रेड अमाउंट लिख लेंगे 73 रुपीज, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, लाइक पेयर खोजेंगे और ट्रेड करेंगे। किस तरीके से करेंगे, तो चलो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेड लूंगा सेल डायरेक्शन की। देखो जल्दी से दिखाता हूँ, मैं सेल करने वाला हूँ और अगर लॉस होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मनी मैनेजमेंट है, बैक टू बैक दो लॉस लगेगा तो रुक जाएंगे, ठीक है, मतलब अगले पेयर को स्विच कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले एक ट्रेड सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड सेल कर दिया है डाउन डायरेक्शन में। क्यों करा है, देखो यहाँ पर एक लेवल मैंने लगाया है, मैंने कहा ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पे काम करता है और फिर मैं इसको बायर के लेवल पे रखूंगा, ठीक है। गौर करो क्या हुआ है, जब भी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टच करा है, मार्केट ने जब भी इस ट्रेंड लाइन को बायर ने टच करा है, तो हमें वहां पे बैक टू बैक दो सेलर देखने को मिले, क्लियर। एक बायर ने टच करा, दो सेलर देखने को मिल गए। जब भी बायर ने टच करा, एक दो सेलर हमें देखने को मिल गए। तो जब दोबारा यहाँ पे बायर ने टच करा था, तो ये तीसरा अटेम्प्ट होगा ना, देखो ये हमारा पहला अटेम्प्ट था, यहाँ पर हमारा दूसरा अटेम्प्ट है, यहाँ पे तीसरा अटेम्प्ट है जहां पर बायर ने टच करा था, ठीक है। तो बायर ने टच करा था कहाँ पे, तो बायर ने टच करा था यहाँ पे। जैसे ही बायर ने टच करा तो यहाँ पे हमें एक सेलर की कैंडल देखने को मिल गई। तो जैसे ही हमें सेलर को कैंडल देखने को मिलेगी तो हम क्या करेंगे, अगले ट्रेड पे सेल करेंगे। तो उसी को देख करके हमने ट्रेड को सेल किया हुआ था, बट यहाँ पे बायर घुस गया। मैं आपको क्या कहा, ये 1 MTC में काफी अच्छा काम करता, तो ये हमारा लॉस जल्दी से हो रहा है। तो कैप्स लॉक ऑन करके एल टाइप करेंगे तो हमारा अगला ट्रेड अमाउंट आ जाएगा 160 रुपीज का, ठीक है। तो हम यहाँ पे 160 रुपीज टाइप कर देंगे एंड हम यहाँ पे 1 MTC जल्दी से ले लेंगे, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे ट्रेड सेल कर दिया है। अब प्रॉफिट हो लॉस हो, देखो स्ट्रैटेजी जब भी यूज करो तो अपना दिमाग खास मत लगाओ, जितना कहा गया बस उसको फॉलो करो, ठीक है। मैंने क्या कहा था, 1 MTC में ट्रेड अच्छा काम करता, मान लो और यहाँ पे भी एक ग्रीन बन जाती, हमारा लॉस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे यहाँ पे लॉस होगा ना, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, अपने मनी मैनेजमेंट पे यहाँ पे भी एल टाइप कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अपने पेयर पे चलेंगे और अपने पेयर को चेंज कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। बट देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, मुझे लग रहा है ये विन हो जाएगा, बट स्ट्रैटेजी है 100% कुछ भी नहीं होता। देखो कोई भी स्ट्रैटेजी जो है ना वो 50% काम करती है, बट आपको उसमें अपना माइंडसेट, अपना साइकोलॉजी, अपना मनी मैनेजमेंट, अपना टारगेट, अपना स्टॉप लॉस सब लगा करके उसको 100% बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ठीक है। कौन कौन सा अटेम्प्ट था, ये पहला अटेम्प्ट था, यहाँ पे पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट और ये तीसरा अटेम्प्ट है हमारा जिसपे हमने ट्रेड करा है, ठीक है, और काफी अच्छा खासा काम करा। देखो कितना डीप विन चला हुआ है, ठीक है, देख सकते हो विन कर चुके, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो कोई भी पैसा इसे बना सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना ये मार्कर को कट करते हैं, हमने इसको विन कर लिया तो फिर हम डब्ल्यू टाइप कर देंगे, हमें बस 3 विन करना, तो हमने एक विन कर लिया। अगला ट्रेड अमाउंट हमारा 75 रुपीज का आ चुका है, तो हम यहाँ पे 75 टाइप कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे हमने 75 टाइप कर लिया है। अब हम अगला ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, बट उससे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे इससे काम हो गया तो इसको हटा दो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखो कितना अच्छा काम किया है। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं आपको एक लगा करके दिखा दूँ, तो गौर करो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया। अब गौर करो, जब मार्केट इस लाइन को टच कर रहा था, कैसे, देखो इस लाइन को जब टच किया तो दो सेलर आए, ठीक है, फिर बायर ने दोबारा टच करा तो दो सेलर आए, ठीक है, फिर बायर ने जैसे दोबारा टच करा और एक सेलर हमें देखने को मिले, तो हम अगली ट्रेड पे क्या करते हैं, सेल कर देते और विन हो जाते, बिकॉज ये हमारा कौन सा अटेम्प्ट था, हमारा तीसरा अटेम्प्ट था और इस तरह से ये काम करता। देखो यहाँ पे भी विन कर जाते, तो काफी अच्छी खासी स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी मत कहना कि आपने इस चैनल से देखी, उस चैनल से देखिए, ये भाई जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था ना उस टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ, ठीक है ना। देखो कोई भी स्ट्रैटेजी खुद की पर्सनल नहीं होती, कहीं ना कहीं से वो चीजें कंसिडर करी गई होती है, ठीक है। बट आपके पास उतना सेंस होना चाहिए कि आपको इस सब चीज पे फोकस नहीं देना, आपको उससे फोकस देना कि किससे आपका पैसा बन रहा है। आपको अल्टीमेटली पैसा कमाने पर ध्यान देना है, ना कि आपको 10 तरह की चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी कितना अच्छा काम कर रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा करके दिखा देता हूँ, ट्रेंड लाइन, ठीक है, और गौर करके देखो यहाँ भी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, कुछ इस तरीके की, ठीक है। गौर से देखो,
तीन अटेम्प्ट है मार्केट ने यहाँ पे दिया, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट और तीसरा अटेम्प्ट। ठीक है, देखो पहला अटेम्प्ट में क्या हुआ, जब बायर्स यहाँ पे टच कर रहे थे तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, नहीं नहीं यहाँ फेल हो गया आई थिंक, नहीं यहाँ पे काम करा है इस लाइन, आप यहाँ से कंसिडर मत करो, आप यहाँ से कंसिडर करो, कहाँ से, एक दो और तीसरा पॉइंट। ठीक है, कंसिडर करो, कैसे कंसिडर करेंगे, इसको थोड़ा सा और तिरछा करेंगे और इसको यहाँ नीचे ले आएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ऊपर बायर्स ही ले गए थे ना इस लेवल को। ठीक है, तो जैसे ही बायर्स ने इसको टच करा तो हमें दो सेलर देखने को मिल गए यहाँ पे, एक सेलर दो सेलर, फिर बायर ने टच करा एक सेलर, एमटीजी से एक सेलर देखने को मिला, तो फिर अगले ट्रेड पे अगर सेलर आ रहा है तो अगले ट्रेड पे हम यहाँ पे सेल करते हैं। इस तरीके से मत यूज करना एमटीजी वाला, बट जैसा मैंने आपको पहले ही समझाया उस तरीके से यूज करना। तो चलो अगला ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, अगर कहीं पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, तब तक आप वेट करो। रियल मार्केट, लाइव मार्केट हर जगह काम करता है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कहीं और पे। ठीक है गाइस, ठीक है ठीक है ठीक है, और यहाँ पे चलो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, और कहीं देखते हैं कहाँ कहाँ है। यहाँ भी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को तो नहीं मिल रही है करेंटली। ठीक है, फ्यूचर में मिल सकती है बट करेंटली नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, बस अब पेयर्स ओपन करके देखते रहना है। ठीक है, तो चलो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं, देखो मार्केट ने यहाँ भी काम कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एक लेवल लगा दूँ ना कहाँ से, तो यहाँ पे अगर मैं लेवल लगा दूँ कुछ इस तरीके का, ठीक है, तो जब भी बायर ने टच करा दो सेलर हमें देखने को मिले हैं, जब भी बायर ने टच करा दो सेलर हमें देखने को मिले, जब भी फिर बायर ने टच करा दो सेलर हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है। ठीक है, फिर यही ट्रेंड लाइन पर देखो और सेलर आ रहा है, तो हम ट्राई करते हैं, अगर ये सेलर घुसे तो इस पर ट्रेड करना नहीं, स्ट्रेटजी के खिलाफ है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है बस और कुछ नहीं। ठीक है, बस डिसिप्लिन मत करो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको खोजने में टाइम लग रहा है, बिकॉज ये एक टाइम देने वाला स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो आप वेट करो, मैं जब स्ट्रैटेजी को मतलब कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करता हूँ तो वहाँ से मैं रिज्यूम करूंगा। ठीक है, वेट करो। तो गाइस मे बी हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है अगर लाइन ठीक तरीके से काम करे तो, बिकॉज थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, बट कोई नहीं। देखो अगर मैं इसके वीक पे यहाँ पे लेवल रखता हूँ, यहाँ पे मैंने रखा, इसको उठा करके अगर मैं कुछ इस तरीके से खींचता हूँ, ठीक है यहाँ पे, ठीक है, तो गौर करो क्या हो रहा था, जब भी यहाँ पे सेलर यहाँ पे टच कर रहा है तो दो बायर की एंट्री हुई है। ठीक है, जब भी सेलर ने टच करा है दो बायर की एंट्री हुई है, यहाँ भी सेलर टच कर, यहाँ पे ये बायर की कैंडल बनता है तो अगली कैंडल हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। क्या करेंगे अगली कैंडल पे गाइज, बाई करेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है और आपको पता ही है स्ट्रैटेजी एमटीजी में अच्छा काम करता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ट्रेड करेंगे, लॉस होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, तो 5-4 सेकंड बचे, ग्रीन बनेगा तो बाई कर लेंगे, ठीक है, और सेल बनेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये ग्रीन बन गया तो हमने कहा जहाँ पे बाई कर लिया, एंट्री काफी ऊपर लग गई है जंप अप के चक्कर में, और जंप अप हमेशा आपका लॉस यहाँ पे करा सकता है, बिकॉज एक सेलर के लेवल पे नहीं, सेलर के नीचे ही है। ठीक है, जो भी हम अपना दिमाग नहीं लगाना, जो भी हमारी स्ट्रैटेजी थी ट्रेंड लाइन को टच हो रहा है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, बाई करना, बिकॉज सेलर ने टच करा दो बार, सेलर ने टच करा दो बार, तो जब दोबारा यहाँ सेलर टच करके ऊपर गए, एक बायर बना, तो अगली कैंडल पे हमने बाई करा, लॉस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 MTG यूज करेंगे। और गाइस मैं आपको बता दूं, अगर हमारा बैक टू बैक दो लॉस होगा तो हम अपने मनी मैनेजमेंट में यहाँ पे दो लॉस लिखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ फिर क्या करेंगे, अपना करेंसी पेयर बस चेंज कर लेंगे। ठीक है, बस करेंसी पेयर चेंज करेंगे। ठीक है, और याद रखना आपको 5 में से 1 विन करना ही करना है, आपका बैक टू बैक 5 लॉस हो गया तो आपका कैपिटल ब्लो हो सकता है, इसीलिए आपको 3000 में से लाइक एक ट्रेड तो विन करना ही पड़ेगा। इसलिए आप 3000 तभी डिपोजिट करना जब आप लॉस उठा सकते हो, तो ये ट्रेड हमें लॉस होता हुआ दिख रहा है, तो हम 1 MTG लेंगे 163 रुपीज का। ठीक है, 163 का हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, अपवर्ड का ट्रेड यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा जहाँ पे एक अपवर्ड का ट्रेड लगा दिया है, बिकॉज हमारा यहाँ पे लॉस हो गया, तो हम यहाँ पे एमटीजी लिए हैं, 1 MTG 1 Martingale step। ठीक है, और अगर यहाँ भी लॉस होगा तो हम सिंपल से अपना करेंसी पेयर चेंज करेंगे। देखो भाई, अगर मुझे छिपाना होगा ना, तो मैं सारे पार्ट को कट कर दूंगा जहाँ हमारा लॉस हो रहा है, मैं आपको वही पार्ट दिखाऊंगा जहाँ से मेरा प्रॉफिट हो रहा है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रैटेजी इसी तरीके से काम करती है, जैसे आपके लॉसेस होते हैं वैसे मेरे भी लॉसेस होते हैं। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो कि भैया जो आपको ट्रेड दिखाते हैं कि भाई मेरा तो सबका सब विन है, तो भाई वो आपको कट पेस्ट करके दिखाते हैं, तो प्लीज़ उन चीज़ों से दूर रहो, ये एक लाइव मार्केट है, रियल मार्केट है, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, लॉसेस झेलने पड़ेंगे। अब यहाँ पे लॉस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, मनी मैनेजमेंट में एल टाइप कर लूँगा, अगला पेयर में फाइंड आउट करेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, हमारा विन होता है या फिर लॉस होता है, कोई दिक्कत नहीं, लॉस हो जाएगा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हमारा भी फिलहाल तो अभी विनिंग में चल रहा है, बट इसमें बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो लास्ट सेकेंड में हमें देखना पड़ेगा कि विन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या होता है, ये हमारा विन हो चुका है, तो यहाँ पर हम कैप्स लॉक में यहाँ पे विन लाइक लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला ट्रेड मोमेंट आ चुका है 76 रुपीज का। ठीक है,
तो 76 रुपीज से हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। देख सकते हो हमारा एक विन हो चुका। हमारा अगला क्या होगा, अगला फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आप वेट कर लो जल्दी से, ठीक है, मतलब जल्दी से नहीं, बस थोड़ा सा वेट कर लो, जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारा एक ट्रेंड लाइन लग सकता है। देखो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन अगर लगाते हैं तो गौर करो क्या हुआ है कि जब भी मार्केट बायर यहाँ पे टच कर रहा है, देखो जब भी यहाँ पे बायर टच कर रहा है तो दो सेलर हमें देखने को मिल रहा है, फिर जब भी बायर टच कर रहा है तो दो सेलर हमें देखने को मिल रहा है, दोबारा जब बायर टच करे एक सेलर आएगा तो अगली कैंडल पे हम सेल करेंगे, लॉस होगा तो 1 MTG से सेल करेंगे, ठीक है। तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी इसको पिन करके रख लेते हैं, ठीक है। आगे ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, यहाँ हमें आगे कुछ मिल रहा है तो नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, यहाँ हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा। और लॉसेस होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। तो देख लेते हैं, फिलहाल तो अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिल रही है भाई, कहीं नहीं मिल रही है, लिटरली कहीं नहीं है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं गाइस क्या ही होता है। मैं वीडियो पॉज करता हूँ, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ कंटिन्यू करूँगा, ओके। क्या ही मार्केट में न्यूज़ इम्पैक्ट है, छोड़ो कोई नहीं, मैं आपको कंटिन्यू करता जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब। तो गाइस हमें यहाँ पे दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर हमारे हिसाब से मार्केट काम कर जाए तो, ठीक है। छोटा सा ट्रेंड लाइन लेंगे, ठीक है, गौर करके देखो क्या हुआ है, समझ पाओगे आप, फिर आप नहीं समझ पाओगे। देखो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन पे क्या हुआ है कि मार्केट जब भी बायर की कैंडल आई है, जब भी बायर की कैंडल आई है, इसने टच करा है सेलर के लेवल को, तो यहाँ पे हमें दो सेलर देखने को मिले। जब भी बायर ने टच करा तो हमें यहाँ पे दो सेलर देखने को मिले, फिर जब बायर इसको टच करा है तो यहाँ पर हमें अगर एक सेलर की एंट्री मिलती है तो अगले ट्रेड पर हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। तो वेट करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और गाइस जिनको भी प्रोफेशनली ट्रेडिंग सीखना है वो आप मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो, मैं लाइफ टाइम का सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, मैं लाइफ टाइम का सपोर्ट करता हूँ। तो जिनको भी ट्रेडिंग सीखना है वो आकर के मेरे से कोर्स परचेज करके सीख सकते हो, ठीक है। और बाकी आपको कोई भी इश्यू होगा तो मैं आपको कोई प्रॉब्लम का सेपरेटली आपको पर्सनल सपोर्ट करके आपको सिखा दूंगा। बाकी गाइज जो भी होगा वो तो भगवान के हाथ में, नहीं आपके हाथ में, बिकॉज भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेलर की कैंडल आ रही है तो अगले ट्रेड पर हम सेल करेंगे, बिकॉज हमारा स्ट्रैटेजी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड सेल कर दिया, फिर कैंडल ने जंप अप लगा दिया, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी आपकी 1 MTG में काफी अच्छा काम करती है, वो भी आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेल करा, अगर ये लॉस हो जाएगा तो 1 MTG लेंगे, लॉस हो जाएगा तो ट्रेडिंग सेशन और आगे बढ़ जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज आपको थोड़ा बहुत पैसा कमाना तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो चलो गाइस देख लेते हैं क्या होता है, लास्ट के सेकंड्स में ही कुछ बता पाएंगे इसका आंसर, बिकॉज इसमें हम कुछ भी लेवल, कुछ भी ट्रेंड, कुछ भी नहीं देखते, बस अपना अपना देखते कि स्ट्रैटेजी हमारी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है बस। और फिलहाल अभी तो अच्छा खासा विनिंग में हमें दिख रहा है, बट लास्ट सेकंड्स में क्या हुआ कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज ये लास्ट में बताया कि हमारा विन हो रहा है लॉस, बिकॉज ये बाइनरी है, 1 मिनट में सारा खेल पलट जाता है, ठीक है। और अगर जिनको अभी तक वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। फिलहाल तो ये विनिंग में, बट लास्ट सेकंड में कहेंगे कि क्या हो पाएगा, ठीक है। और अगर जिनको भी वीडियो पसंद आ रही है वो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। मुझे लग रहा है लास्ट में एक ग्रीन ना बना दे, थोड़ा सा डर लग रहा है बिकॉज ये बाइंग प्रेशर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे विन हो चुका है, हमारा डेली का 6% गेन हो गया है, ठीक है। तो देख सकते हो ये मनी मैंने आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाकर के टेलीग्राम से उठा लेना, ठीक है। और बाकी कुछ भी दिक्कतें आए तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बाकी हमारा ट्रेड विन हो चुका है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और, यहाँ पे हमारा एक स्ट्रैटेजी फुलफिल हो रहा है, बट हम आगे ट्रेड नहीं लेंगे बिकॉज हमारा टारगेट पूरा हो गया। अगर आप यहाँ पे लेवल लगाओ, जब भी मार्केट ने टच करा सेलर ने, दो ग्रीन बना, जब भी सेलर ने टच करा दो ग्रीन बना, आप दोबारा सेलर इसको टच करेंगे ग्रीन बनता तो अगली कैंडल पर हम क्या करेंगे, बाई करेंगे इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं तो ट्रेंड लाइन समझ लो कुछ इस तरीके से, ठीक है, काम कर जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल।